अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है अररिया एमएम न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सदर जनाब अख्तरुल ईमान का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है और मुजफ्फरपुर के कुड़नी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला अध्यक्ष क्या कुछ कहा है, तो दोस्तों आगे इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव में अचानक अपना प्रत्याशी उतार कर सबको चौंका दिया था और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से गोपालगंज विधानसभा के चुनाव काफ़ी रोमांचक भी हुआ था और RJD गोपालगंज विधानसभा के चुनाव जीतते जीतते हार गई। दोस्तों, आपको बता दूँ, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 विधायक तोड़कर या खरीद कर अपने पार्टी RJD में शामिल कराया था, ठीक उसी तरह से दोस्तों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी गोपालगंज विधानसभा के चुनाव में RJD से बदला ले लिया है। लेकिन दोस्तों, गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव खत्म होने के बाद मुजफ्फरपुर के कुड़नी विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग चुनाव कराने का तारीख का भी ऐलान कर दिया है। तमाम पार्टियों ने मैदान में उतरकर अपने अपने दावे पेश करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको बता दूं, असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुजफ्फरपुर के ज़िला अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए कुड़नी विधानसभा के सर्वे करके रिपोर्ट बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सदर जनाब अख्तरुल ईमान को सौंप दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने एक मीडिया को बयान दिया है कि हमारी पार्टी मुजफ्फरपुर के ज़िला अध्यक्ष कुड़नी विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए सर्वे किया है। सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद हम और हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुड़नी विधानसभा में चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं और हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर नए खबर सबसे पहले इस चैनल पर लाने का कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। दोस्तों, इस खबर के मुताबिक आप क्या राय रखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बतला सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।